हम हर महीना पहले मैंने 1000 रुपया डाले,
हम 1250 रुपया महीना डाल रहे हैं इस योजना से। आप मुझे बताएं अपनी जिंदगी में खुशी आई कि नहीं आई? क्या खुशी आई? मुझे कई बहनों ने बताया कि आपका तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, घर में इज्जत बढ़ गई। और कई बहनों ने यह भी कहा आजकल तो बंदी व्यक्ति बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आ गए कि नहीं आए। और अब फूल दस्तारी का रही है बहनों दस्तारी, लेकिन दस को क्या है धन तेरा। और इसे इस बार पुष्पांजलि दीदी 10 तारीख नहीं 7 तारीख से ही पैसा डालना शुरू कर दिया जाए। धनतेरस से खरीदारी करो और तुम भी जाओ भैया बहनों को खरीदारी करने दो, सब जाओ तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। अब एक बात सुन लेना मेरी लाडली बहनों, अभी तो 1250 दे रहा हूँ, 1250 से तो नहीं दूंगा, अभी पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, जुगाड़ में लगाऊ पैसे, पैसा बहुत लगता है। अरे करो 32 लाख दे रही मेरी और खाते में डालने के 15,000 करोड़ जाते हैं, अभी जुगाड़ कर रहा हूँ, जैसे ही पैसा आए एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार आप बोले एक
हो गया। प्रत्येक परिवार हमको अलग अलग ढंग से व्यवस्था करना ताकि बेरोजगारी की समस्या का मुकाबला कर ले। लाडली बहनाओ, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दिया, बाकी में भरवाने की चिंता मत करो। बिजली के दिन के बड़े बड़े बिल आए, वो गरीब की चिंता मत करना। बड़े हुए बिल मामा भरवाएगा और तुम्हारे पास बाद में 100 रुपये का बिल ही आएगा। गरीब कल्याण का मतलब हर एक को फ्री में राशन। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मेरे बेटा बेटी, आप देखो छोटे छोटे बच्चे गोद में लेके मेरी बहन खड़ी है, ये सब बच्चे मुझे मामा मामा, मुझे मामा मामा कहते पुकारते हैं। बड़े बच्चे तो छोड़े, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में और छपे छपे चिल्लाते हैं, मामा ओ मामा ओ मामा। अगर इनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है, ये तो ये जानते हैं कि दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अमेरिका भविष्य कैसे बर्बाद होने दूंगा अगर छोटे बच्चे मामा मामा माँ की गोद में कहते हैं, लेकिन बड़े बच्चे कई बार कहते मामा आई लव यू। तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इनकी पढ़ाई के लिए अब सीएम राइज स्कूल खोल रहा हूँ। सीएम राइज स्कूल की एक एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया में बन गई है। लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने आएगी। अरे अरबपतियों के बेटे जिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे अच्छे स्कूल बना के दूंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी पढ़ सके। और विश्वामित्र जी, धीरे धीरे आपके विधानसभा में 10 सीएम राइज स्कूल बनाऊंगा। बच्चों की शिक्षा फ्री में होगी, निःशुल्क होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। मामा खाए के लिए है, अच्छे नंबर लाएंगे बच्चे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा, लैपटॉप बारहवीं में। और बारहवीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा आपको स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी, ताकि बच्चे ढंग से पढ़े। और मेरे गरीब और किसान बहनों भाइयों, एक बात और सुनना, आगे मेडिकल कॉलेज की और इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी पढ़ाई बच्चों की मेहनत से अगर उनका एडमिशन होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा। मामा बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। और कांग्रेस को एक पाप किया, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेज
तुमने मेरी बेटियों की शादी वाली योजना बंद कर दी, कन्याओं को पैसे ही नहीं दिया, इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, और तो और इन्हें तीरथ दर्शन योजना बंद करवा दी। मैं गरीबों को रेल से तीरथ ले जाता था, कमलनाथ बादल मतलब तीरथ यात्रा बंद। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो तीरथ यात्रा फिर चालू, अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीरथ ले जाऊंगा, हवाई जहाज। लेकिन इन्हें सब योजना बंद कर दी, तो बताओ अपनी योजना बंद करने वाला मॉडल चाहिए क्या? ये कमलनाथ की ओल्ड मॉडल है, और कांग्रेस का मॉडल मतलब बेटों को पढ़ाओ। कमलनाथ जी के बेटा टिकट काट रहे, दिल्ली राजा का बेटा टिकट काट रहे, और कोई हल नहीं, और कांग्रेस में कपड़ा फाड़ लड़ाई हो रही है, कपड़ा फाड़। बताओ कांग्रेस ने कभी हमको ढेला दिया था क्या? अरे खाते में कभी पैसे डाला था क्या? याद रखना मेरे बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और कमलनाथ अगर आ गए तो लाडली बहना ना तो लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, ये सारी योजना बंद कर देगा। कमलनाथ मॉडल मतलब धमकी दो धमकी। अरे बहनों को भी धमकी दे इनके देता हूँ, तो बहुत मामा मामा कर रहे हो, आने दो हमारी सरकार, तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद कर देंगे, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो सुनो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के यहाँ के नेता भी सुन ले, मुझे कुछ कह लोगे मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मुझे तो रोज ही जागी देते, ये मामा कहाँ से आ गया, डेढ़ हड्डी का हटा ही नहीं रहा, सपने में भी मुझे जागी देते, बीच में तुमने मेरा श्राद्ध ही कर दिया, पोस्ट डाल दी मामा तेरा श्राद्ध हो गया। अरे मैं तो रात के ढेर से भी फिर खड़ा हो जाऊंगा जनता की सेवा के लिए। लेकिन कमलनाथ की किराना सुन लो, अगर मेरी बहनों की तरफ उंगली उठाई और भांगे भांगे से कहा कि भूखे मर जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इनके धमकी देने वालों को नहीं छोड़ूंगा। तो धमकी देने की राजनीति करते और क्यों मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बताओ मैंने जो योजना बनाई वो चलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ चलना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं, चलेगी तब जब फिर से मेरी सरकार बनेगी। बोले हमारी सरकार बनवाएंगे, और सरकार तब बनेगी जब विश्वामित्र पाठक चुनाव जीतेंगे। तो बोलिए विश्वामित्र पाठक को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे, कमल को फूल की बटन दबाएंगे, और मामा को भी आशीर्वाद देंगे, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो ना सर। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा, और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं, मेरे अकेले का काम नहीं है चुनाव प्रचार, आपकी भी जवाबदारी है, बहन भी निकले, भाई भी निकले, भांजे भांजे भी निकले, और फिर से मामा की पार्टी को जिताए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। बोले सब तैयार हो तो आओ मेरे साथ, संकल्प लो कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी का साथ देंगे, मामा का साथ देंगे, तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के भाजपा की सरकार बनाने का, पाठक जी को विश्वामित्र जी को जिताने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैंने बोल दिया जो बोलना था।
भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की सरकार बनाएंगे।